अधूरा सा दिखने वाला ये ककनमठ मंदिर सुंदर वास्तुकला की एक अलग ही मिसाल पेश करता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंहोनिया गांव में स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर बहुत हद तक ध्वस्त हो चुका है, पर इसके अवशेष ये साफ दर्शाते हैं कि अपने समय में ये कितना भव्य रहा होगा। आज हम आप पहुंचे हैं सिहोनिया के ककनमठ मंदिर में। एक जमाने में सिहोनिया नाम की ये जगह सिहपाणी कहलाती थी और यह ककनमठ मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। आज भी देश भर में सिहोनिया की पहचान ककनमठ मंदिर की वजह से बनी हुई है। ग्यारहवीं सदी में राजा कीर्तिराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है। एक समय था जब ये कई छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ था। अब वो मंदिर यहाँ नहीं है, पर उनके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं राजा कीर्तिराज की रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हीं के कहने पर इस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था और इसीलिए इसका नाम ककनमठ रखा गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस स्मारक में एक गर्भगृह है जहां आज भी भगवान शिव की पूजा की जाती है और यहां दो मंडप हैं, जिन्हें मुख मंडप और गुड़ मंडप कहा जाता है। मंदिर के मंच पर चढ़ते ही आपको मुख मंडप दिखेगा, जो अब ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ दो सुंदर स्तंभ आज भी खड़े हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह के बाहर ही गुड़ मंडप है। इस मंडप में चार चार स्तंभों के चार समूह हैं। इस मंदिर को देखने पर लगता है इसका निर्माण अधूरा रह गया था, लेकिन इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प लघु कथा है। कहते हैं इसे भूतों ने एक रात में बनाया था, लेकिन बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। ककनमठ मंदिर में बेहतरीन कारीगरी की गई है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी है और उन पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुत खूबसूरती से उकेरी गई हैं। क्योंकि ये शिव मंदिर है, यहाँ गणेश, कार्तिक और पार्वती की मूर्तियां भी हैं। मुरैना जिले के कई ऐतिहासिक स्मारकों के बीच अपनी मजबूत पहचान के साथ कायम ककनमठ मंदिर की शैली हमें खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाती है। जब आप यहां आएंगे तो इस मंदिर का निर्माण करने वाले लोगों की कला की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के आसपास कई ऐसे और मंदिर थे छोटे छोटे, जो मुगल शासन काल में तोड़वा दिए गए थे। वो आज उनके जो सबूत है वो आज यहाँ पर आने पर देखने पर मिलते हैं।